प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर की विषय अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत आज हमारे इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हम इकाई सेकंड के बारे में थोड़े विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, मगर इस सेकंड इकाई थोड़ा अलग है। इस सेकंड इकाई का नाम है विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित हमने पढ़ा था, मेरा पढ़ा था आकलन की अवधारणा की सामान्य आकलन किस प्रकार अवधारणा होती है, अधिगम का अधिगम के लिए अधिगम के रूप में था। बीजिए ये वो चीज पूरी हो चुकी है हमने। आज हम ना सेकंड इकाई स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो सेकंड इकाई का नाम है विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट बेसिक लर्निंग, मतलब विषय आधारित आकलन मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि विषय आधारित अधिगम होता है कि किसी विद्यार्थी की अपने टेंथ पास होने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद में हर विद्यार्थी के अपना एक विषय को चॉइस करते हैं। जब बोलते हैं सब्जेक्ट चॉइस करना, नहीं अपने विषय को अंदर रुचि दिखाना। तो रुचि कब दिखाएगा, जब वो सभी विषय दसवीं तक पढ़ने के बाद विषयों का महत्व तो पढ़ने देखने के बाद वो ग्यारहवीं कक्षा में आता है, तो वो ग्यारहवीं कक्षा के अंदर अपने विषय पर जो ज़्यादा फोकस देता है उसके बारे में आगे पढ़ेगा कि वास्तव में हम जो पढ़ेंगे वो विषय आधारित है। हमारा जो विषय उस पर अधिगम सीखने की कला है उसका किस प्रकार मूल्यांकन होना चाहिए उसके संबंध में हम पढ़ेंगे कि रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा को मुख्य चीजों में विचार किया। रचनावादियों ने रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा प्रमुख तीन बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। कितने बिंदु प्रस्तुत किया, तीन बिंदु। कितने बिंदु प्रस्तुत किया विचारधारा, और तीन बिंदु कौन कौन से हैं? अधिगम पर केंद्रीकरण के आपको ध्यान रखना, अधिगम प्रक्रिया का आकलन, पाठ्यक्रम निर्देशन एवं आकलन की योजना। ये तीन प्रकार के इस विषय आधारित अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए इन तीन बिंदुओं की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा विषय में किस प्रकार से केंद्रीकरण होना चाहिए, अध्ययन किस प्रकार होना चाहिए, उसकी योजना किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे तीन बिंदुओं में से हमारा जो पहले जो आज का प्रकरण जो होगा वो पहला है कि अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान। आज हमारा जो प्रकरण चल रहा है वो है अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान, यह आज का हमारा सीखते हैं। तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के पाठ्यक्रम के प्रति, विषय वस्तु के प्रति, इकाई के प्रति और अपने प्रकरण के प्रति कैसे थिंकिंग होनी चाहिए, कैसा सोच होनी चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अधिगम पर केंद्रीकरण अगर भूमिका के बारे में पढ़ेंगे तो अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त करें। तो उसमें लिखा गया है कि अधिगम पर, अधिगम मतलब सीखना और सीखना, सीखने पर केंद्रीकरण, केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान का अभिप्राय मतलब विद्यार्थी में रुचि जिज्ञासा को सीखने के लिए, सीखने के लिए विद्यार्थी में रुचि जिज्ञासा को सीखने के प्रति विकसित करता है, करना पड़ता है। क्योंकि अधिगम जो होता है उसको सीखने के लिए एक अध्यापक विद्यार्थी को इस सभी क्रियाओं में रुचि जिज्ञासा को अधिगम के प्रति विकसित करना जरूरी है।
कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा नहीं होगी तो उसका पूर्ण ध्यान अधिगम की ओर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अध्यापक द्वारा जो भी शिक्षण कार्य करता है उस शिक्षण कार्य के प्रति विद्यार्थी की रुचि जिज्ञासा का एवं सकारात्मक सोच के साथ शिक्षण को प्राप्त करना चाहिए। कहने का मतलब हमारा यह है कि विद्यार्थी को अधिगम के प्रति एक शिक्षक अपने पाठ विनय के प्रति विद्यार्थियों के प्रति उस शिक्षण को में रुचि जिज्ञासा एवं सकारात्मक सोच के साथ विद्यार्थियों के समक्ष जो कुछ भी सिखाया जाए वो उसका महत्व उपयोगिता विद्यार्थी को बतानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम उस विषय वस्तु उस इकाई के प्रति या उस प्रकरण के प्रति हमेशा जागरूक रहता है। तो उदाहरण के लिए मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे आदि के वर्तमान समय के अंदर हमारा ध्यान किस विषय के होना चाहिए, हमारा शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आज वर्तमान समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जैसे कि क्योंकि वर्तमान के परिदृश्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं का अत्यधिक महत्व होता है। वर्तमान समय के परिदृश्य के अंतर्गत प्रतियोगिता वृद्धि होती है, प्रतियोगिता परीक्षा का अत्यधिक महत्व होने के कारण और इस प्रकार के अधिगम को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षण कार्य के प्रति केंद्रीकरण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हम जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वहाँ सेल्फ स्टडी के माध्यम से स्वयं की के माध्यम से हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम को समझना है कि जैसा कि वो एग्जाम में आ जाता है। हम उस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले होता है पाठ्यक्रम कि उस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो निर्धारित है वो किस प्रकार का है, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो पाठ्यक्रम के प्रति कैसे कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें स्वयं की परिस्थितियों का आकलन करना मूल्यांकन करना है, तथा इस प्रकार की परिस्थितियों में शिक्षक एवं अभिभावक दोनों का ही कार्य होता है। मतलब अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य के प्रति और अध्यापक अभिभावकों को दोनों ही प्रकार का हमें सपोर्ट और सारा मिलना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सीखने पर अपना पूर्ण ध्यान दे सके। क्योंकि जब अभिभावक और शिक्षक का उस विद्यार्थी के प्रति संपर्क अधिक रहता है, सिखाता है, हर क्रिया के लिए उसे उत्तेजित करता है, उसे मोटिवेशन करता है, तो इस मोटिवेशन से विद्यार्थी के अंदर सकारात्मक सोच का विकास तीव्र गति से होता है, और तीव्र गति होने के साथ साथ वह अपने कार्य के अंदर उस लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाता है। और हम आगे और बढ़े, अतः अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए एवं विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए निम्न उपायों का करना चाहिए, जो हम अगले वीडियो के माध्यम से अगले प्रकरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि अधिगम पर केंद्रित ध्यान पूर्ण करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, उस संबंधित जो भी हमारे शिक्षण बिंदु आते हैं इस पाठ्यक्रम के आधार पर, कौन सा पाठ्यक्रम अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान में जो हमारे जो उपाय हैं कौन कौन से उपाय हैं, ऐसे 12-13 उपाय हैं, उन उपायों को किस प्रकार से मोटिवेशन विद्यार्थी सामने करना है जिससे विद्यार्थी अधिक से अधिक जानकारी उसको प्राप्त कर सके। तो कहने का मतलब है आज हमें पढ़ाएंगे विषय आधारित अधिगम का होना चाहिए। विषय आधारित हमारे ऐसे भी विषय हैं जिन पर विद्यार्थी की रुचि उसके स्वयं के आधार पर करता है, स्वयं उसके निर्धारण करता है कि मुझे किस प्रकार का शिक्षण प्राप्त करना है, मुझे किस लक्ष्य तक प्राप्त करिए जाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रकरण था अधिगम पर केंद्रीकरण का पूर्ण जाना, ये थोड़ी सी भूमिका सकते हैं, और हम नए टॉपिक के साथ में नए विस्तार के साथ में फिर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।